Good morning, respected Principal Sir, DPS Bokaro, teachers और प्यारे बच्चों. It is great opportunity to address students of DPS Bokaro. आप सभी Standard 11 में DPS Bokaro में नामांकन लिए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई. Orientation session में सवेरे एक interaction था, पूरा नहीं हो सका, तो अपनी बात को हम यहाँ फिर से आपके लिए रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं कि जो हम आपसे संवाद रखना चाहते थे. सबसे पहले प्रिंसिपल सर के प्रति आभार कि उन्होंने कैरियर काउंसलिंग के लिए जगह दी कि आपको उचित समय पर उचित जानकारी मिल पाए. आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो आज का पहला पर्पस क्या है कि आपको ओरिएंटेशन देना. प्रिंसिपल सर ने आपको एड्रेस किया, आपने जाना कि DPS बोकारो का रिजल्ट कितना बड़ा है और किस लीग में है. देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की लीग में आपका स्कूल है और झारखंड में इसका स्थान बहुत ऊंचा है. अब मुझे क्या कहना है, पहली बात ये कहना चाहते हैं कि आप जब एलेवेंस में आए हैं आपको अपना गोल रख तय करना पड़ेगा. तो गोल क्या होगा, मेरा एक ही मानना है, एलेवेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, ग्रेजुएशन में, पहला लक्ष्य है सक्सेस. और उसमें एक शब्द हम जोड़ते हैं, सक्सेस विद हैप्पीनेस. सक्सेस क्या है, सक्सेस है कि आप जो कर सकते हैं उसमें ऑप्टिमम आप करें, पहली बात. दूसरी बात, नेवर परमिट एनीबॉडी इन लाइफ टू डिक्टेट व्हाट इज सक्सेस टू यू इवन मी. आपको खुद तय करना है कि आपको क्या करना है और आप अपना लक्ष्य बनाएं और किसी के कहने से अपने लक्ष्य को तय नहीं करें. अपनी क्षमता, अपनी अभिरुचि और अपने संसाधन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड रिसोर्सेज के आधार पे आप अपनी तैयारी तय करें. अब गोल सेटिंग की बात आती है. एलेवेंथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. ये एक्सरसाइज हम जब भी एड्रेस करते हैं बच्चों को एलेवेंथ के लिए, इसकी बात करते हैं. गोल सेटिंग क्या है, पहला टारगेट एक्सलेंस इन बोर्ड एग्जाम. आप कहेंगे हमने तो सोचा था कोई बहुत बड़ी बात कहेंगे, हम कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे आपको. सबसे इंपॉर्टेंट है छोटी बात को समझना और बेसिक्स को समझना. एक्सेलेंस इन बोर्ड एग्जाम इज योर फर्स्ट टारगेट. एक्सेलेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स इज योर सेकेंड टारगेट. एंड थर्ड, जिस पे आपके प्रिंसिपल सर का बहुत फोकस है, दोनों पे फोकस है और इस तीसरे पॉइंट पे भी प्रिंसिपल सर का फोकस रहा है, एक्सेलेंस इन फिजिकल मेंटल हेल्थ. आप स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से. गंगवार सर इस पे ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई में तो अच्छा करें पर मेंटल हेल्थ रहे, खुश रहें, सक्सेस विथ हैप्पीनेस. तो ये पहली चीज है. तो ये जो आपको एक्सेलेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. पहले हो गया गोल सेटिंग, तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको एक बात मेरी माननी होगी जो मानते बच्चे नहीं हैं. मैं DPS बोकारो में 2004 में एज ए काउंसलर था, प्रिंसिपल सर से मेंटरशिप में रहा, बड़े अग्रज की तरह, बड़े भाई की तरह लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा, हम लोग मिल मिलके थे. अब उन चीजों से हम लोगों ने जो सीखा स्कूल में और आपके जो सीनियर से हमने सीखा, पहली चीज है जो DPS बोकारो एक रोड मैप स्कूल एग्जाम का बनाता है उस पे आंख मूंद कर चलिए. जी आई रिपीट, किसी भी बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में मत आइए. मैं स्वयं विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं और आपको एक बात बताना चाहता हूं पहले कि एक बात मिसगाइड नहीं होंगे. कोचिंग संस्थान का रोल है रिजल्ट में, पर कोचिंग संस्थान कहते हैं IIT की तैयारी करो बोर्ड हो जाएगा. क्या गलत कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं. मैं 15 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास, ये बात 100 बच्चे में से सिर्फ 10 पे लागू होती है. तो 10 बच्चे के लिए और 10% के लिए है कि पहले IIT की बात, लेकिन 90% के लिए है कि पहले बोर्ड की बात. और ये जो 10% भी बच्चे हैं ना प्यारे बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो 9th में 11th कर चुके हैं, 10th में 12th कर चुके हैं और फाउंडेशन बना चुके हैं और वो बात चर्चा नहीं करते हैं. तो जो बच्चे वो बात कर चुके हैं
उनसे भी कहूंगा कि जब स्कूल में एग्जाम हो उसमें अच्छा करें, और हर एग्जाम में अच्छा करना और बोर्ड एग्जाम में बेस्ट करना, चाहे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, चाहे मेडिकल एस्पिरेंट हो, चाहे कॉमर्स एस्पिरेंट हो। तो जब गोल सेटिंग की बात आती है उसमें सबसे पहले आते हैं कि इंजीनियरिंग की बच्चों क्या करना है। एक तो आगे बात भाई बोर्ड एग्जाम में कितना लाना चाहिए, तो पहले आपको याद देखना चाहिए कि आप जहां बैठे हैं जिन चीजों के लिए जिस स्कूल में उसका बेंचमार्क क्या है। आप सभी अभी तो बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, बोर्ड एग्जाम होता तो सारे के सारे वही रहते डीपीएस बोकारो में जो 95% के ब्रैकेट में रहते, उस लेवल के बच्चे आते हैं। पर कई बार रिजल्ट ऐसा होता नहीं है ट्वेल्थ में, क्योंकि आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो 95% आपका टारगेट होना चाहिए और हर बच्चे का जो डीपीएस बोकारो में है 95% लाना होगा एक, और आराम से आएगा। स्कूल की बात मान लीजिए, बस इतना ही कहना है। सेकेंड, एक्सलेंस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या है इंजीनियरिंग के लिए, अब जो टॉपर्स की पहले मैं बात करूंगा, यहां जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, जब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है पीसीएम आपने चुन लिया है तो पहला लक्ष्य क्या है आप सबको पता है, आईआईटी। फिर हम मेडिकल की बात करेंगे, फिर हम कॉमर्स की बात करेंगे। तो आईआईटी लेते हैं तो आज आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। आप सभी बच्चे हैं, डीपीएस बोकारो में एक बेंचमार्क आया था रैंक वन, पिछले 10 वर्षों से इस पूरे रीजन से सिंगल डिजिट रैंक एक बार 2011 में आया था, उसके बाद नहीं आया। तो जो टॉपर्स बच्चे बोकारो के, झारखंड के, बिहार के डीपीएस बोकारो में आए हैं, उनसे पहली अपील मैं करता हूं कि एक संकल्प होना चाहिए कि आई विल सिक्योर सिंगल डिजिट रैंक, और स्कूल आपको जिस तरह की सहयोग देना होगा, योर प्रिंसिपल सर एंड स्कूल मैनेजमेंट इज ओपन फॉर ऑल सपोर्ट, नेवर हेजिटेट। और जो टॉपर्स बच्चे हैं कभी आप संकोच नहीं करेंगे, जो भी जरूरत होगी अपने टीचर्स को बताएं, प्रिंसिपल सर को बताएं, सारे रास्ते और कोई कमी नहीं रहेगी कि आपको टॉप रैंकर बनाने में स्कूल का सहयोग रहेगा। इस बात को निकाल दीजिए मन से, स्कूल पूरी कॉपरेट करेगा और प्रिंसिपल सर का विजन है कि बच्चों को मैक्सिमम सपोर्ट दें, जो जिस लेवल का होगा उसको वैसा सपोर्ट चाहिए। मेरी बातों को आप समझ लीजिएगा। तो एक सिंगल डिजिट रैंक का हो, एक लॉट है जिसको डबल डिजिट का संकल्प लेना है, और जो भी बच्चे डीपीएस बोकारो में हैं, लगातार मंडे टेस्ट वर्षों से दे रहे हैं, परीक्षा देने के तो आप आदि हैं, डबल डिजिट रैंक भी एक अच्छी संख्या में बच्चे ला सकते हैं। कितना आता है नहीं आता है हम नेक्स्ट टर्म में बताएंगे, पर आप में से बहुत बच्चे डबल डिजिट रैंक ला सकते हैं। तीसरा लॉट है जो ट्रिपल डिजिट का हो, ये प्लान ये है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब आपको टारगेट तय करना पड़ेगा, किस हिसाब से आपको मंजिल तय करनी पड़ेगी कि भाई ये जो गाड़ी आज डीपीएस बोकारो में लगी है आपकी, प्लस टू के बाद कहां रुकेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आईआईटी बॉम्बे जाए तो जनरल कैटेगरी, यहां एक बात बस रखेंगे, बाकी ट्वेल्थ में आपसे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। अभी हम जनरल बेंचमार्क की बात कर रहे हैं कि टॉपर्स को क्या टारगेट रखना पड़ेगा, और हर कैटेगरी की बात ये अलग है, अभी सिर्फ जनरल की बात हो सकती है इतने कम समय में। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं, हमने नोट किया आपके लिए, उसकी कट ऑफ रही है 66, ऑल इंडिया रैंक 66। आपके यहां से बच्चे इस कैटेगरी में आए हैं पहले कई बार, तो आप में से इस बार रिकॉर्ड तोड़ें, ये आपका संकल्प हो, और क्या सहयोग चाहिए आप स्कूल से अपनी बात रखेंगे। 66 आईटी दिल्ली के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 100 रैंक के आसपास का अपना टारगेट रखना पड़ेगा। 50 का टारगेट रखें बॉम्बे के लिए, 100 का टारगेट। आईटी बॉम्बे में 4000 रैंक में भी दाखिला होगा, लेकिन जो ड्रीम ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपको 66 रैंक में बॉम्बे में मिलेगा, दिल्ली में 105 रैंक में। और यहां जो लड़कियां सुन रही हैं, इसकी लगभग 3 गुना कट ऑफ जाता है आपका, तो आपके लिए जनरल कैटेगरी में भी कट ऑफ है, एंड दिस गवर्नमेंट हैज डन वंडर्स, जो कट ऑफ आपके लिए एक अलग सीट आई है। और लड़के चिंता ना करें, आपकी हकमारी नहीं। थर्ड नंबर पर जो आईटी मद्रास का आपका टारगेट है, तो आपको रैंक लाना पड़ेगा 150 के आसपास। आईटी कानपुर जानते हैं तो 250 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए।
आईआईटी खड़गपुर जाना चाहते हैं तो आपकी 300 के आसपास होनी चाहिए, 5 ईयर भी कोर्स से जहां 500 में भी जा सकते हैं। तो पहला टारगेट सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, और हर बच्चे को दिमाग में आज रखना चाहिए कि 500 रैंक हमको आना ही चाहिए, एंड गिव योर बेस्ट, फिर आगे की बात करेंगे। और एक आगे की भी सोच लेनी चाहिए, हर बच्चे वहां लैंड नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली टेक योर टाइम एंड डिसाइड। रूड़की जो 6th रैंक है इसमें 450 के आसपास, 422 इसका कट ऑफ जाता है। हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद बड़ा नाम है, और आज ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं आने वाले दिनों में इसकी रैंकिंग और बढ़ेगी। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ब्रांच आया है, जिसमें डिटेल में हम ब्रांच काउंसलिंग में बात करेंगे। 584 उसका कट ऑफ गया, मतलब हैदराबाद पहुंचने के लिए 600, गुवाहाटी जाने के लिए भी 588 उसी के आसपास, BHU 900 रैंक के आसपास 855 कट ऑफ गया। इंदौर जो 10th रैंक है, तो 1 to 10 आईटी जाने के लिए इंदौर का कट ऑफ गया 1200, मतलब आप 1000 का टारगेट होगा, आप 10th रैंक तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत पहाड़ टूटेगा। एक लॉट है जिसको संकल्प लेना है कि हमको इस लॉट में जाना है, और आप मान के चलिए कि जो सबसे नीचे का आईटी है रैंकिंग में, आईटी भिलाई 10,000 रैंक में वहां दाखिला मिल रहा है, और हमारे डीपीएस बोकारो का एक एक बच्चा सक्षम है इस ब्रैकेट में घुसने में, सिर्फ आपको सिस्टमैटिकली स्टडी और रिविजन करना है। ये जो आईटी की बात हो गई टॉप रैंकर्स के लिए, अब हम बात करते हैं मेडिकल वालों के लिए। मेडिकल वालों को क्या करना है, मेडिकल के बच्चों को एक आंकड़ा बताना चाहते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स। मेडिकल में 2015 में 52,225 सीट थी, ठीक है, 52,225, अभी कितनी सीट है, 82,926, 30,000 सीट। इतिहास में इतनी ज्यादा सीटें इतने कम समय में हिंदुस्तान में नहीं बढ़ा, यू आर फॉर्चुनेट माय बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो बायो एस्पिरेंट हैं अपना मनोबल ऊंचा करके रखेंगे, और पुराने वालों का अनुभव का लाभ नहीं लेंगे, चीजें बदल गई है, फर्स्ट बार में ताकत लगाएंगे और आपकी हो जाएगी। और कितने सीट्स हैं, एम्स आपका टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट एम्स। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कई बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं जो एम्स दिल्ली में है, नंबर वन टारगेट एम्स दिल्ली, जैसे इधर आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली है। सबसे पहले एक एम्स स्टार्ट हुआ, फिर 6 एम्स हुआ, फिर बाकी आए, टोटल अभी 1899 सीट हैं, लगभग 2000। तो हमारे डीपीएस बोकारो के बच्चे इसमें जा सकते हैं, आपको संकल्प के साथ पढ़ना है तो टॉप रैंकर्स है। अब आईटी की तरह जो ब्रांच की वैसी जद्दोजहद नहीं है, उसका वैसा इंपैक्ट नहीं है, तो थोड़ी लीनियंसी है। तो आप अगर अपने आप को टॉप रैंक्स में लाते हैं 1000 रैंक में, यू विल गेट अ गुड कॉलेज, और टॉप 50 टॉप 100 में टॉप मोस्ट, ये आपको जाना है। यहां भी मैं बता दूं, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग कट ऑफ है। अब इसमें आप बता दें, जिपमर एक शानदार कॉलेज है जहां आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, 278, और 41,000 सीट हैं, 41,000। अब इस 41,000 में समझेंगे, ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट है। यहां कई बच्चे हैं जो बिहार से हैं, डीपीएस बोकारो में आते हैं, मैं मुंगेर से हूं, मुंगेर भागलपुर से भी कई बच्चे हर साल आते हैं, बोकारो के सराउंडिंग्स डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड भर से बच्चे आते हैं। तो 15% कोटा ऑल इंडिया होता है, आप अगर झारखंड में हैं तो आपको 85% कोटा जो है वो भी आपका होगा, और 15% ऑल इंडिया कोटा से भी आप जा सकते हैं। तो इस 41,000 में 15% ऑल इंडिया कोटा है जिसमें आप जा सकते हैं। जिस राज्य में है, बिहार में 950 सीट है, झारखंड में ओरिजिनली 350 सीट थी जो तीन कॉलेजेस में, फिर कॉलेजेस की संख्या बढ़ी और सीटें भी बढ़ी, उस पर डिटेल में बात से। तो आप एक बात यकीन रखिए, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बिना मनोबल को तोड़े और थंब रूल को बिना तोड़े आप पालन करेंगे, तो मेजॉरिटी बच्चे आप झारखंड के अच्छे कॉलेजेस में और एक टॉप रैंकर्स बच्चे टॉप कॉलेजेस में हर हाल में जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में भी 263 सीट है, कॉलेजेस हैं, और 35,540 सीटें हैं, ये होराइजन है। अब आपने कॉमर्स वालों के लिए, ये टॉप रैंकर्स की बात हुई, भाई एम्स के लिए आपको टारगेट देना है, आपका एम्स जो 15 है उसमें आपको जाना है। अब आते हैं कॉमर्स वाले के लिए बातचीत, कॉमर्स वालों को क्या करना है, जो कॉमर्स के जो टॉप रैंकर्स हैं, पहला रास्ता जो जाता है वो सी और सी एस की तरफ जाता है, और इसके लिए अभी से लगना पड़ता है, देर से नहीं। कॉमर्स के बच्चों को बस एक ही प्रॉब्लम है,
मुझे फील होता है, उनको लगता है बहुत समय है, अभी हड़बड़ी क्या है, हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको टॉप लीग में नहीं जाना है तो आपका रास्ता CACS। और यहां एक बात मैं जोड़ूंगा, जो भी कैटेगरी के बच्चे चाहे इंजीनियरिंग लें चाहे मेडिकल लें चाहे कॉमर्स, जो पीक पे लोग रहते हैं ना उनकी सैलरी एक रहती है। जो भी बेस्ट इंजीनियर होगा, बेस्ट डॉक्टर होगा, बेस्ट पर्सन जो कॉमर्स से आगे बढ़ा होगा, जो पीक पे लोग हैं तो जो एक्सेलेंस, और यहां मैं आमिर खान का वो डायलॉग आपको बात बताना चाहता हूं, बड़ा प्रिय डायलॉग है, याद कीजिए, 3 इडियट्स ध्यान आ रहा है, शेविंग कर रहे थे शर्मन, क्या नाम है उनका, आमिर खान उधर से, मैंने कहा सक्सेस के पीछे मत भागो, यही बात मैं आपको कहूंगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। आज आप स्कूल में आए हैं, वेदर ये आप ऑप्टेड फॉर साइंस कॉमर्स और इंजीनियरिंग स्ट्रीम मेडिकल स्ट्रीम, गो आफ्टर एक्सेलेंस, एक्सेलेंस के पीछे आओगे तो सक्सेस झक मार के आएगी, और यह सत्य है। तो गो आफ्टर एक्सेलेंस, जो विषय आपने चुना है अब इस पर डिबेट नहीं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, बात नहीं, अभी इसको लेकर के हमको समझ के चलना है। अब जो पहली बात आती है, गोल सेटिंग की बात हम कर रहे थे, जिसमें कि भाई हमने ये टॉप गोल्स चुन लिया, अब आती है बात गोल चेजिंग की। गोल तो आपने बना लिया है, अब इसको चेज करना है, चेज कैसे होगा, विथ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल अकाउंटेबिलिटी। गोल चेजिंग के लिए मैं जो बात पहले कहूं फिर रिपीट करूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्कूल टीचर्स, बिलीव इन योर स्कूल अकेडमिक करिकुलम एंड परफॉर्म। और जो भी बच्चे किस मुगालता में रहे कि स्कूल में पढ़ने से फायदा नहीं है, वो अच्छा नहीं किए। मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं, 2006 में मैं बोकारो फिटजी में था, 16 बच्चे थे जो ड्रॉप आउट किए स्कूल से, DPS से, और उस समय वो 16 बच्चे भी उसी कैटेगरी में थे जिसमें बाकी बच्चे टॉप थे, 2-3 को छोड़ करके। और उन 16 बच्चों में से मैं एक एक का नाम जानता हूं, वो 10th में किए थे, एक इंप्रेशन क्रिएट करके, समझाने के बाद भी नहीं, नॉन स्कूलिंग करना है, अभी मेरा बहुत प्रेशर है, 16 में एक भी बच्चा नहीं किया, ये लिस्ट मेरे पास है। कहने का मतलब इतना ही है, ये जो नॉन स्कूलिंग सेमी अटेंडिंग के कंसेप्ट से दूर रहिए, और स्कूल लोड नहीं होगा अगर आप स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो पहला बात तो स्कूल को फॉलो कीजिए, फिर यू हैव टू मूव बियॉन्ड स्कूल ऑल्सो, स्कूल इज नेसेसरी, आपको कॉम्पिटिटिव कोचिंग की जरूरत पड़ती है, आपको पढ़ाई की सेल्फ स्टडी की जरूरत है। पहली चीज है यू नीड टू चूज अ राइट सिस्टम फॉर इंप्रूविंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ, बिना अपग्रेड हुए IT में आप नहीं पहुंचेंगे। राइट सिस्टम, राइट मेंटर्स, बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएगा, आपको सेलेक्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको राइट मेंटर्स चाहिए आईटी के लिए कि आप अपग्रेड हो सके। और फिर अगेन विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी एक ही चीज में बहुत दम होती तो सब बच्चे करते, सेल्फ स्टडी इज द की, आप कहीं भी पढ़ लें, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो राइट टीचर, राइट सिस्टम, राइट स्टडी मटेरियल एंड राइट सेल्फ स्टडी, ये आप करेंगे तो आपको सुविधा होगी, तभी आप एक्सेल करेंगे। ये हो गई गोल चेजिंग की बात, और स्टडी मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे तो एक बात समझिएगा, कभी भी आंख मूंद करके किताब मत खरीद दीजिएगा। जो भी सक्सेस आइकन्स है ना, हर का अपना प्रिस्क्रिप्शन है, आपको अपना समझना पड़ेगा। और यहां मैं बता दूं, जो बच्चे अभी 11th में बाहर से आए होंगे, कई बच्चे जो बोकारो कहीं होंगे DPS में नहीं पढ़ पाए होंगे, नेवर कंपेयर, कंपीट, कंपीट करें, कंपेयर नहीं करें। और आपको ये पता करना पड़ेगा, आज जो टॉपर बच्चे बात कर रहे हैं उन्होंने 9th में कितनी मेहनत की, 10th में कितना मेहनत किया, 6th to 9th में क्या किया, वो करने के बाद वो चीज करके बच्चे बैठते हैं और आपको पता नहीं चलता है। इसलिए संभल के, समझ के, अपने हिसाब से। पहली बात फिर से रिवाइंड कर दें, गोल सेटिंग, फिर हमने बात की गोल चेजिंग, अब तीसरा पहलू है गोल एनालाइजिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल एनालाइजिंग क्या है, ये कैसे करेंगे। अभी तो हमने टॉप लीग बना लिया कि भाई ठीक है हमारा ये टारगेट है, आप अपना तय कर लीजिए, इसमें हम कहीं नहीं है, आप तय कीजिए, गोल चेज करने लगिए, लेकिन आप सही जा रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो समझेंगे इस चीज को,
कि डीपीएस बोकारो के हाफ ईयरली एग्जाम को बहुत सीरियसली लेंगे 11th में। अगर आप नहीं लेंगे तो आईआईटी के चांसेस वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ये हो जाएंगे। और ये मेरे 15 साल का अनुभव रहा है, व्हेन आई वाज इनसाइडर, व्हेन आई वाज विजिटिंग, और जब रेगुलरली बच्चों से टीचर्स रेट देखते हैं। कोई बच्चा जो ऐसा नहीं है सर आज तक, और बच्चों याद रखना, भ्रम में मत रखना कि स्कूल में अच्छा नहीं करेंगे और आईआईटी में गजब करेंगे, ऐसा नहीं होगा। टॉपर बच्चे पहले पढ़ लेते हैं और स्कूल आसानी से निकालते हैं, आपको भी करना पड़ेगा जो सेकेंड लॉट है उसके लिए। अब इसमें क्या है कि पहला असेसमेंट हाफ ईयरली एग्जाम में, और पेरेंट्स गुमराह नहीं होंगे कि भाई कोचिंग का सिलेबस कुछ और है, स्कूल का सिलेबस कुछ और है, ये किसने मना किया है। आज जून में हम लोग बैठे हुए हैं, स्कूल के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, सिलेबस देखिए स्कूल का क्या है, उस हिसाब से फॉलो कीजिए। पर कई जगह आपको मैं बता दूं, शुरू में केमिस्ट्री में खास करके स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, मैथ और फिजिक्स में भी ये हाल होता है, जिसका परिणाम है कि बच्चा स्कूल में भी अच्छा नहीं करता है, कॉम्पिटिटिव में भी नहीं करता है। मैं इतना ही बोल के बात छोड़ दूंगा, आगे इसको आप समझेंगे। कहना का अर्थ है हाफ ईयरली में बच्चा अच्छा ना करे तो बहानाबाजी ना सुनेंगे, समझेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है, पर एक्सक्यूज नहीं। फिर आपको फाइनल एग्जाम में, 11th का फाइनल एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। और यहां एक बात मैं पूछता हूं, मैं सुना है कई लोगों को इस दृष्टांत को देते, आप बताइए, आप सुन रहे हैं बच्चे, गाड़ी में ब्रेक का क्या रोल है, ब्रेक का क्या रोल है? जब आप, इसके कई जवाब हैं, ये है वो है, लास्ट आंसर जो आता है, आप तेज चल सकें इसलिए ब्रेक जरूरी है, बिना ब्रेक के नहीं होगा। बहुत स्पीड रहे, ब्रेक नहीं रहेगा तो आप स्पीड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम है ना, करिकुलम है, जो आपके टीचर्स हैं, ये एक्सीलेटर गियर के साथ साथ ब्रेक का भी काम करते हैं, जब आप अननेसेसरी उड़ान लेने लगते हैं चीजों के लिए, क्योंकि 10th के हैंगओवर से बाहर निकलना पड़ता है। ये ब्रेक है हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, और इस ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तभी आप आगे पढ़ेंगे। इसीलिए जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, बच्चे, और मैं बता दूं 10 में से 9 बच्चे मेरी ये बात नहीं मानते हैं, मेरा सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है, पर 2 साल बाद 10 में से 11 कहने का मतलब 100% बच्चे कहते हैं सर आप ठीक बोल रहे हैं, उस दिन मान लेते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, स्कूल का जो करिकुलम है डीपीएस बोकारो का, उसको फॉलो कीजिए और कीजिए। और इसमें गोल एनालाइजिंग में जो बच्चे टॉप रैंकर्स हैं, आज नोट कर लें, 12th की सिलेबस अपने लेवल पे आपको थोड़ा आगे करना पड़ेगा, जुलाई तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा, अक्टूबर तक, और स्कूल में भी साथ साथ चलते रहेंगे, आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं गोल रीसेटिंग की बात, गोल सेटिंग, गोल चेजिंग, गोल एनालाइजिंग। हमने एनालाइज किया कि हाफ ईयरली में कैसा रहा, और कोचिंग के परफॉर्मेंस को भी आप एनालाइज करेंगे जैसा कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल सबका अलग अलग रूट जाता है। जो बच्चे पीसीएम पढ़ रहे हैं, अगर 11th में आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या आईआईटी की संभावना खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है, पर 2 पहलू है इस विषय में। पहले एक आपको आपके स्कूल का दृष्टांत देते हैं। रांची में कुछ दिन पहले एक एसपी ने ज्वाइन किया, और जो जब एसपी आया तो हम लोग की बातचीत खिल गई। क्यों खिली? क्योंकि ये बच्चे को हम डीपीएस बोकारो से 11th में जानते थे, आपके स्कूल का स्टूडेंट था, नाम अमन कुमार, और वो जब आए हमने कहा कि अपना एक्सपीरियंस बताओ कि भाई बच्चे को 10th के बाद आते हैं, तो उसने एक बात कही, बोला कि सर मैं तो 11th में ज्वाइन किया था और 11th में मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर थी, और मैं किसी तरह, और मैं फर्स्ट हाफ ईयरली में मेरे लग भी गए, मेरे ज्यादा नंबर नहीं आए, मैं बुलट गया, लेकिन मेरा संकल्प था कि मुझे करना है। ये आपके स्कूल के विद्यार्थी की बात बता रहा हूं, 2005-2007 डीपीएस बोकारो की बात है। और उसने कहा कि 11th में जो मैं नहीं कर सका, 12th में मैंने सोचा करना तो पड़ेगा, करना तो होगा भाई, बोला मैं फिर पूरी ताकत से लग गया, और परिणाम हुआ कि ही वॉज सेलेक्टेड फॉर आईआईटी खड़गपुर, 2800 रैंक लाया, और खड़गपुर वो चले गए उस चीज के लिए, और 11th पूरा खराब था। ये एक बच्चे की कहानी है। इस बच्चे की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। 11th से मैंने उसे देखा, वो कविता लिख रहा था, आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, फेसबुक पे कविता। मैंने उसे मैसेज किया कि भाई कविता लिख रहे हो, क्या बात है, पढ़ाई चल रही है,
उन्होंने कहा सर प्लेसमेंट नहीं लेना है यूपीएससी। मैंने कहा सोच लो, इतनी अच्छी जगह चल रही है। बोला सर मैंने सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी करना है। अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर लगा रहा, सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में भी वेटिंग लिस्ट आई और 8 महीने के बाद फिर एक लिस्ट निकली, उसका नाम आ गया। हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरी, आप मेहनत करेंगे तो फिर लगा। ही वाज गॉट आईपीएस पोस्टिंग और रांची जैसे शहर में एसपी के रूप में आया। तो ये वही बच्चा आज 11th नहीं कर सका। तो जो नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि 11th पढ़ना नहीं, पर नहीं पढ़ सके तो भी जिंदगी समाप्त नहीं होगी, 12th में फोकस करेंगे, पर वहां पे आपको गोल रिसेटिंग। हर बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा, तो आपको समझना है वहां क्या समझना है। एक लाइन बोलेंगे इंजीनियरिंग वालों के लिए, यू शुड नो द एंट्रेंस एग्जाम, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पूरा फोकस कोचिंग इंडस्ट्री का है जेई एडवांस पे, और मेरा पूरा फोकस है जेई एडवांस के साथ साथ जेई मेन्स पे। और जेई मेन करने के लिए आप बच्चे बता दें भ्रम में नहीं रहेंगे, 90% बच्चों को अगर 11th अच्छा नहीं गया तो 12th में जेई मेन के लिए पूरी फोकस करना पड़ेगा। विस्तार से बाद में उसके लिए क्या करना है, स्कूल की जो पढ़ाई है वो करें और अपग्रेड बेसिक एडिशनल बुक से कर लें, आप जेई मेन में अच्छा कर लेंगे। और जेई मेन में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और वहां भी चीजें आप फिर रिसेटिंग करेंगे। एक तो आईटी के लिए जाएंगे, क्योंकि टॉप लीग में आप आ गए तो बहुत अच्छा, एनालाइज करके आप देखेंगे तो आईटी में भी क्या है कि जो सीटों की संख्या है, आपको टोटल जो सीट्स आपके आईटी में है, ये जो संख्या है ये संख्या भी 16,000 है। आप टॉप 1000 में नहीं आए तो चिंता नहीं करेंगे, आज बोल रहा हूं, पहले प्लान ए, और एक बड़ा लॉट है जो प्लान ए पे स्टिक करेगा और रिजल्ट लाएगा, जिसकी बात मैंने कहा पहले गोल सेटिंग में, पर रीसेटिंग भी जरूरी है 12th में। और 16,000 सीटें आईटी में कम नहीं है, 10,000 सीट तक रैंक तक तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, अन्य ब्रांच भी मिलेंगे, 105 ब्रांचेस है। चिंता नहीं करना है, फोकस बना के रखना है। तो पहले लॉट है कि आईटी में भी हम रीसेटल करेंगे, वास्तविकता को स्वीकार करेंगे और आईटी के रैंक को फिक्स करेंगे, भाई इस रैंक को जाना है, स्कूल तो करना ही करना पड़ेगा। वहां भी आप नहीं अपने को पाते हैं तो जेई मेन को फोकस करें। जेई मेन के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलती है। 31 एनआईटीज में 23,000 सीटें हैं, 24 ट्रिपल आईटी में 5,600 सीट्स है, और जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसमें बीआईटी मिश्रा भी है और वहां स्टेट कोटा भी है, 5,600 सीट है पूरे जीएफटीआई में। तो आपके पास टोटल 30,000 से ज्यादा सीटें हैं जहां आप जा सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा डीपीएस बोकारो में नहीं होगा जिस लेवल के जो यहां नहीं जा सके। नहीं जाने के बीच एक ही बाधा है कि आप स्कूल के परीक्षा को इग्नोर किए, पहला। दूसरी, आईटी एडवांस की प्रिपरेशन के लिए ऑब्सेसिव रहे, और तीसरा, 12th में गोल रिसेटिंग नहीं किए। ये कर लेंगे तो इंजीनियरिंग की गाड़ी पार निकलेगी। और जो प्लेसमेंट्स हैं, अभी आपको प्लेसमेंट्स देख रहे होंगे, आईटी टॉप 5 के अलावा भी अभी 54 लाख का पैकेज आईटी धनबाद में मिला है, 42 लाख का पैकेज एनआईटी मणिपुर में मिला है। और आने वाला जो समय है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैंपस, इफ यू आर गुड इन कोडिंग यू हैव ए ग्रेट फ्यूचर, इस पर भी बाद में बात करेंगे। तो ये आईटी वालों की बात होगी, इंजीनियरिंग की बात हो गई। इंजीनियरिंग में बहुत ऑप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, रिसर्च है, अन्य चीजें हैं, पर समय कम है। मेडिकल पे आते हैं, मेडिकल वाले बच्चे, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, प्लान ए तो आपने बना लिया। प्लान बी में क्या है कि अगर हमारे तीनों विषय का कमांड नहीं हो पा रहा है, नीट परीक्षा 720 मार्क्स का होता है, कई बच्चे गलती करते हैं, 360 मार्क्स की बायोलॉजी है उसे लाइटली लेते हैं। अगर आप टॉप मोस्ट लीग में बने रहे तो गोल रिसेटिंग की तो जरूरत नहीं है, आपको जो कहा जा रहा है आप करते रहिए, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना है, उस पर अलग से बात। तो इसमें जो आप बच्चे हैं, पहला फोकस की बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लास्ट के लिए मत छोड़िए, सो दैट कि किसी कारण से रुकना पड़ा तो भी आपका आधा रास्ता आप तय कर पाएंगे। ये भी मेरी बात सब नहीं मानते हैं, बाद में मानते, जो मानते हैं बाद में रहते हैं, और स्कूल पर फोकस कर लेंगे, बायोलॉजी को मास्टरी कर लेंगे, और फिर तब फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी एक को पकड़ेंगे।
ये उनके लिए है जो उस रेस से 12th के स्टार्ट में छूट चुकेंगे, और मेजॉरिटी बच्चे जो हमारे जो डीपीएस बोकारो में है, एक बड़ा लॉट रेस में बना रहता है, उनको टॉप मोस्ट एम्स और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाने का टारगेट रखना है। नंबर वन पर बता दें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा लंबी लिस्ट है, डिटेल में बात करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस के लिए, वहां के लिए आपको टारगेट 1000 रैंक का बना के चलना पड़ेगा। और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम जो सिलेक्शंस होंगे वहां पे आपको इससे लोअर रैंक में आपको रिम्स में, जमशेदपुर में, धनबाद में आपका दाखिला हो जाएगा, अन्य नए जगह भी जो खुले हैं वहां भी आपका दाखिला होगा, आपको अपने पिच को बना के रखना है। तो मैंने कहा मेडिकल वालों के लिए कि प्लान ए जिनका बना हुआ है मेंटेन रखेंगे, जिनको जरूरत है रिवर्क करेंगे। कॉमर्स वाले तो प्लान ए पे ही वर्क नहीं करते हैं, मेजॉरिटी बच्चे 90% बच्चे, कारण बहुत टाइम है। वहां मैं कहूंगा कि देखो आप तय कर लीजिए कॉमर्स, जैसे मैंने कहा विथ मैथ्स वालों को बहुत अच्छा स्कोप है, विदाउट मैथमेटिक्स वालों को अच्छा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा डीपीएस बोकारो सभी बच्चों को, एक टारगेट आपको भी लेना पड़ेगा प्लान ए के तहत ही और फिर बी में भी, कि हमको IIM इंदौर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हमारा 1 दर्जन बच्चे निकले, और यह असंभव तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य बात है जो सभी बच्चे डीपीएस में कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैं उनके लेवल से अपडेट हूं, 150 सीटें हैं। तो प्लान ए के तहत ही टॉपर्स को भी जो सीए के बाद ऑफ नहीं करना चाहते हैं सीए, उसको टारगेट दीजिए, आप IIM इंदौर में जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे जहां IIT वाले बीटेक करके पहुंचते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3+2 ईयर का। और वहां आपको कॉमर्स की जब स्ट्रीम की बात करें तो हम लोग बच्चे हैं CACS, फिर आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज में BCOM ऑनर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं, BCOM पास ले रहे हैं, और प्रोफेशनल कोर्स में BBA आ रहे हैं, और फिर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका हुआ। और ये जो ऑप्शन है कॉमर्स वाले के बाद, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन जो आते हैं कैरियर इन लॉ, कैरियर इन फैशन, कैरियर इन जर्नलिज्म, कैरियर इन होटल मैनेजमेंट, कैरियर इन डिफरेंट स्पेशलाइज स्ट्रीम्स। तो आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों में दाखिला मिलेगा, पर कॉमर्स वाले बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी कीमत पे 95% से कम का टारगेट बोर्ड भी नहीं रखें। मैं स्पेशली आई एम एड्रेसिंग डीपीएस बोकारो, दिस इज नॉट ए टॉक फॉर एवरीबडी। तो वो जो बच्चे हैं सिर्फ आप 11th में कंट्रोल में रहेंगे और 12th में भी लग जाएंगे तो 95% हर बच्चा को आएगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और टॉप मोस्ट जगह जहां नंबर से एडमिशन होता है दाखिला मिलेगा। और वहां भी एंट्रेंस एग्जाम से भी BBA में कई जगह होती है जिसपे बाद में बात करेंगे। तो आपके पास कॉमर्स वालों के पास भी BBA, लॉ, फैशन, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, इतने ऑप्शन हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट में उतने ऑप्शंस आपको हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। लॉ में भी एग्जाम्स का नाम ले लें, क्लैट है, LSAT है, AIELT जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। फैशन में तो आपको क्या जानना है, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको NID का एग्जाम है, NIFT है और अन्य एग्जाम्स हैं। उसी तरह आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बियोसिस, अन्य एग्जाम BBA के लिए हैं। और आपको जो IIM की बात मैंने की, IIM इंदौर, फिर IIM रोहतक, IIM रांची में भी दाखिला आपको जो हो रहा है वो आपको IIM इंदौर के एग्जाम से थ्रू हो रहा है और वहां SAT के भी थ्रू हो रहा है, उस पर आप ध्यान देंगे। इस साल एक परीक्षा शुरू हुई JIPMET, अभी नाम सुन लें, IIM गया और इंदौर और जम्मू, इन दोनों जगह JIPMET से हो रहा है। और ये जो सारे कॉमर्स की जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, उस पर एक लाइन में बोलूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आपको ये समझना है कि तीन चीजें ठीक रखनी है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग आपको मेंटल एबिलिटी इन रीजनिंग कमांड करना है, इंग्लिश कमांड करना है और GK कमांड करना है, और ये एक दिन का काम नहीं है, आखिरी दिन के लिए मत छोड़ना बच्चों, क्योंकि इस बार मेरी इच्छा है कि आप 2 साल बाद हमारे 10 बच्चे कम से कम IIM इंदौर में पहुंचे, रोहतक में पहुंचे, IIM रांची, IIM गया, और हर बच्चा आप में से जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू नीड टू बी डिटरमाइंड, और स्पेसिफिक गाइडेंस की जो जरूरत है आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब आगे आते हैं, गोल रिसेटिंग उनके लिए क्या है कि जो बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं 11 से भी स्टार्ट करें, नहीं कर सके कोई 12th में कीजिए, और किसी कारण से
संभल नहीं रहा है, जो नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कॉमर्स वालों को, तो मिनिमम 95% मार्क जरूर कीजिए, पर मन को सहमित करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर दीजिए। क्लैट डिट कहीं भी हो, जो बेस्ट रैंक अभी तक मुझे जानकारी है 26 रैंक तक मैं जान रहा हूँ क्लैट में आपके स्कूल के बच्चे को आया है, निफ्ट में भी आया है। और मैं बता दूं, मुझे याद आ रहा है 2004-2006 का एक बच्चा था, मैं नाम नहीं लूंगा, डी सेक्शन का बच्चा था, ठीक है, और बड़ा चंचल, बड़ा शरारती, वो दौड़ते हुए आया, उसने कहा सर मेरा निफ्ट हो गया। मैंने कहा तुम तो साइंस पढ़ रहे थे, कैसे हुआ चीज के लिए? बोला सर 2 महीना पढ़े मेरा हो गया। तो साइंस वाले भी लास्ट तक नहीं सहे तो प्लान सी में आप बैठेंगे, फोकस करेंगे तो हो जाएंगे। आपके स्कूल का लंबा इतिहास रहा है, 2-3 एग्जाम्पल और देके आगे बढ़ जाएंगे अपनी बात को। रेस्पेक्टेड गंगवार सर उसमें थे स्कूल में, शैलेश झा व CBSE ऑल इंडिया रैंक 1। और मैं बता दूं रैंक 1 किया मैं उस समय जस्ट 11th में, वो लोग थे उसी समय में BPS बुक आया था, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी चीजों की। और आपको बता दें जिंदगी कैसी होती है, वो बच्चा रैंक 1 किया, ये स्कूल की उपलब्धि है और उसके बारे में सुनिए, ही कुडंट क्वालिफाई फॉर IIT, IIT नहीं कर सका, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, ही क्वालिफाइड फॉर BITSAT क्योंकि रैंक 1 आने के कारण उसको सीधे दाखिला मिला। इस संबंध में भी और बात करेंगे। तो एक लीगेसी वहां की है, अलग अलग बच्चे हैं, IAS IPS में भी अनगिनत है और कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और आपको बता दें आपके DPS बोकारो के बच्चे, जो प्रशांत किशोर की टीम है ना, उस टीम में भी बड़े बड़े बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, जो देश के पॉलिटिशियंस को भी घुमा रहे हैं, नाम उनका बाद में बताऊंगा, वो लोग बैकेंड पे काम करते हैं। तो इतने सारे अवसर्स हैं आपके स्कूल में, लेजेंडरी अचीवमेंट रहा है और टीचर्स हाईली डेडिकेटेड कमिटेड हैं। पर 10th तक जो बच्चे, एक बार फिर कहूंगा, 10th तक जो आपने एक रेस्पेक्टफुलनेस रहती है उसमें कमी नहीं आने दें और सिस्टम को फॉलो करें। अब अगली बात आती है, लास्ट बात जो मैं कहना चाहूंगा, गोल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और यहां एक बार और बता दूं, कई बार स्कूल में समझना बड़ा मुश्किल होता था, मैं जब स्कूल में गया तो मैंने एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाला था, जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो सेक्शन का टॉपर है और बाद में ही बीकेम एन IPS ऑफिसर रोहन झा। ये सारे बच्चे जब गंगवार सर उसमें थे, उस समय बच्चे सर सबको पर्सनली भी जानते हैं। तो अचीवर्स का है एक बात ध्यान रखना है कि सक्सेस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, एक बार आ गया तो फिर खत्म नहीं होगा, और एक बार कर लिए तो फिर निश्चिंत नहीं रहना है, और एक बार अनसक्सेस हुआ तो फिर आपका ये आप खत्म हो गए जिंदगी में, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती है चीजों के लिए। अब आपके बाप बता दें, गोल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, 2 लाइन बोलूंगा, समय काफी हो गया है। आप स्वस्थ रहें माय डियर स्टूडेंट्स, जो बाहर से खास करके आए हैं, सुबह का नाश्ता जरूर करें, लंच टाइम पे करें, डिनर टाइम पे करें, और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, नाश्ता खाना बहुत जरूरी है टाइम पे, इसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। और अननेसेसरी लेट नाइट स्टडी को अवॉइड करें, ये मैं आज से कह रहा हूं, ये मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मैं जानता हूं, लेकिन कई लोग लास्ट आते तक मानेंगे। और बॉडी क्लॉक को मैनेज करें, मेंटेन रखें और स्वस्थ रहें। मेंटली सक्सेस बहुत जरूरी है, पर उसके पीछे कंपैरिजन नहीं, कंपीट कीजिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को अपग्रेड कीजिए। और पेरेंट्स को मैं कहूंगा, ये विश्वास बच्चों को दीजिए कि रिजल्ट जैसा भी हो प्रयास पे करें, रिजल्ट के बाद बच्चों को सीने से गले लगाएं जैसे हमारे टीचर्स लगाते हैं। मेंटल हेल्थ, खुश रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहूंगा, कभी भी कोई दिक्कत हो तो अपने टीचर से बात करें। और लास्ट में एक बार बताना चाहूंगा कि आपको जो काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले आपको जरूरत है एक, जो मैंने ओरिएंटेशन दिया, प्री काउंसलिंग, एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, फिर हाउ टू बैलेंस स्कूल एंड कोचिंग, देन वेंस यू डू दैट रेगुलरली मेंटेन योर गुड मार्क्स, यू नीड रैंक काउंसलिंग, जिसमें ब्रांच काउंसलिंग, प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है। तो लगातार 2 साल एक काउंसलिंग प्रोसेस की जरूरत होती है समय समय पर, और हर जगह का समय की अलग अलग चीजें रहती हैं। लास्ट में 2 बातें और कहूंगा कि जब आप स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे ना, तो आपको सब कोई कहता होगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 10th करियर सेटल हो जाएगी।
जो अपने सीनियर्स हैं ना, भैया लोग, दीदी लोग पूछना, टेंथ करने के बाद सेटल हो गई क्या? नहीं, टेंथ के बाद आप फिर ट्वेल्थ। और आपको बता दें, जिंदगी में इलेवन में जैसा फील होगा ना, वैसा कभी नहीं होगा, पर इलेवन जितना कठिन ट्वेल्थ नहीं है। फिर आपको कहा जाता है ट्वेल्थ कर लो, ट्वेल्थ कर लो, जिंदगी सेटल हो जाएगी, आपका अच्छा कॉलेज हो जाएगा, बढ़िया बात है। पर आप पूछो जो बीटेक कर रहे हैं, पूछो जो एमबीबीएस कर रहे हैं, पूछो जो लॉ कर रहे हैं, पूछो जो एमबीए में है, जिंदगी फिर सेटल नहीं होती। फिर कहा जाता है कि भाई जॉब में चले जाओगे सेटल हो जाएगी। जॉब में चले जाते हैं, इतने सारे लोग जॉब कर रहे हैं, पूछो जिंदगी सेटल हो गई क्या? नहीं, जिंदगी सेटल नहीं होती, जिंदगी चलती रहती है। इंजॉय ईच मोमेंट ऑफ लाइफ, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। सक्सेस इज नॉट फाइनल, ये बात याद रखना, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल। आई एम ऑलवेज कम्युनिकेट विथ योर मदर, योर मदर इज योर फर्स्ट काउंसलर, योर फादर इज योर सेकेंड काउंसलर, टीचर इन योर प्रिंसिपल सर योर थर्ड काउंसलर, और फोर्थ नंबर पे हम लोग आते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, आई स्टे इन रांची, साइकोग्राफी सोसाइटी हमारी संस्था है। तो आप कंटिन्यूस प्रोसेस करें, सक्सेस से आप हो निश्चिंत न रहें, और कोई फेलियर जो आपको आएंगे उससे आप निराश नहीं हो, फिर आगे बढ़ें, आपकी जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, हरिवंश राय बच्चन की। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी, एक पत्र छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब अगली पंक्ति को आप नोट कर लें और अपने एक कान में डालिए और दूसरे को सील कर लीजिए, बार बार मन में ये शब्द गूंजने चाहिए। तू ना थकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, एक अग्निपथ है रास्ता, और जीवन एक सुंदरता से लिए हुए एक एपिसोड है। एक एक पल का आनंद लें, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंकिंग प्रिंसिपल एस गंगवार सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल स्टूडेंट्स, थैंकिंग ऑल अदर टीचर्स फॉर मैनेजिंग दिस एपिसोड। और आप बच्चों, इस अवसर का लाभ लेते हुए आपकी जब पढ़ाई शुरू होगी, पूरे मन से अपनी बात पढ़ाई को में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।